Level Seven individuals as units of analysis now for individuals as units of analysis, we come at the lowest level of your, your unit of analysis or comparison. Je, jab individuals ke basis pe, ya logon ke, uh, level pe, uh, research so that can be multidisciplinary also yes you, look, you can look at. के उस लोग कौन से सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये हैं हाउ आर द डिफरेंट जो भी आपके इर्द गिर्द पोलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं उसका उन पर क्या इम्पेक्ट है जैसे वो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं और इनके इंटरेक्शन किस तरह से चल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं और इन हाउ एवर अभी तक जितनी ज्यादा रिसर्च हुई है वो इंडिविजुअल्स की वो थोड़ी से साइकोलॉजिकल लेवल पे हुई है साइको सोशल अगर मैं उनको कहूँ तो वो बेहतर होगा

तो उनका क्या इम्पैक्ट uh, पड़ता है बच्चों की उनका बच्चों की रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस किस्म की रिसर्च बहुत ज्यादा आप इंडिया में बहुत ज्यादा है सो so, जब आप इस तरह का डेटा कलेक्ट इंडिविजुअल्स को लेते हैं तो आप पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स भी इकट्ठी कर सकते हैं सो यू कैन टेक इन डेथ इंटरव्यूज आप ले सकते हैं या आप बहुत सारे लार्ज सर्वेस ले सकते हैं और यही वो डिफरेंस है जो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं या तो आप उनसे बहुत डिटेल्ड इंटरव्यूज करें या लाइफ हिस्ट्रीज करें ताकि और उनके एटीट्यूड्स को देखें और वो किस क्या जो भी उनकी क्लासरूम रूम प्रैक्टिस हैं बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसकी वजह मालूम करें और उनकी परसेप्शन देखें या आप लार्ज स्केल इंटरव्यूज करें बहुत सारे लोगों के टीचर्स का एक कोई चीज ले लें दो तीन चीजें जो ले लें ले और आप उसका देखें कि कितने ज्यादा लोगों में ये चीज पाई जाती है एक एग्जाम्पल है इंडिविजुअल लेवल पे रिसर्च की क्वेस्ट में सो so, ये क्वेस्ट का एक का जिसमें रिसर्चर्स बहुत सारे इकट्ठे आए और वो देखना यह चाहते थे कि इंग्लैंड और फ्रांस में कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों की बच्चों के एटीट्यूड पे जो बच्चे आपके क्लासरूम में आते हैं उनका उस पर क्या इम्पैक्ट होता है और जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है उनकी परसेप्शंस पे और लर्निंग आउटकम्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है सो द इम्पैक्ट ऑफ द वाइडर कल्चर ऑन पीपल एंड स्टूडेंट्स सॉरी पीपल्स एंड टीचर्स एटीट्यूड्स वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च वेरी इंटरेस्टिंग उसके रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग निकले और इन्होंने देखा कि जो भी कल्चर आपका आउटसाइड जिसके था जिस विद इन विच द स्कूल्स वर इम्बेडेड उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता था उसको आपकी टीचिंग एंड लर्निंग पे अब फ्रांस में जो था देर वॉज एन अनडिफ्रेंशियशियटेड सिस्टम अनडिफ्रेंशियटेड सिस्टम वो होता है जिसके अंदर आप तकरीबन सब पे एक जैसी तोजह देने की कोशिश करते हो और जो लेसन थे उसके अंदर मोर और लेस सब बच्चे तकरीबन एक ही लर्निंग आउटकम उनका होता था क्योंकि टीचर की तवज्जो इसी किस्म की उनपे होती थी इंग्लैंड ऑन ऑन द अदर हैंड हैड अ मोर हैड अ मोर डिफरेंशियटेड सिस्टम इंग्लैंड के स्कूल्स में ऐसा था या तो बच्चों को कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बहुत अच्छा आता था वही लेसन जो पढ़ाया हुआ था और कुछ बच्चे ऐसे थे जो को, जिनको वो लेसन बिल्कुल ही नहीं आता था तो दे वॉज मोर डिफ्रेंशियशन और वो डिफ्रेंशियशन जो थी वो टीचर्स uh, के पढ़ाने के वजह से आ रही थी अब इसी तरह इंग्लिश जो बच्चे थे जो इंग्लैंड के बच्चे थे वो ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक थे वो अपने आइडियाज बड़े फ्रीली एक्सप्रेस करते थे दे दे वांटेड टू दे वुड टेल अबाउट देयर चॉइसेस मोर दे व मोर एक्सप्रेसिव और वो इनिशिएटिव लेते थे काम करने में आगे बढ़ के काम करते थे आपके जो फ्रेंच बच्चे थे वो थोड़े से पीछे की थोड़े रिस्ट्रिक्टेड थे रिस्ट्रिक्टेड तो कहना मुनासिब नहीं होगा हाल के मैंने यहाँ पे लिखा रिस्ट्रिक्टे यहां है रिस्ट्रिक्टेड से मौरात यहाँ पे को ज्यादा बढ़ के बढ़ चढ़ के क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते थे वो ये ज्यादा ये करते थे कि जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जो टीचर ने उनको कहा वो उन्होंने कर दिया और वो बहुत ज्यादा अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते थे इसी तरह इनके लर्निंग आउटकम्स में भी जैसे कि मैंने जिक्र किया इसी तरह यही फर्क था कि फ्रांस में जो पढ़ाया वो सबको आता था तकरीबन बच्चों को लेकिन इंग्लैंड में जो इंग्लिश क्लासरूम्स में जो पढ़ाया वो कुछ बच्चों को बहुत अच्छा आता था और कुछ बच्चों को नहीं आता था और इंटरेस्टिंगली जो टीचर्स थे उनके भी कुछ इसी किस्म के ओपिनियंस थे यानी उन्होंने जब बच्चों के बारे में उनसे पूछा तो दे हैड दिस काइंड ऑफ डिफ्रेंशिएटेड या फिर उनके बच्चों के मुतालिक बच्चों से एक्सपेक्टेशन मुख्तलिफ थी उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये ग्रुप बहुत अच्छा करेगा और ये बिल्कुल ऐसे ही है इसने ये इतना ज्यादा नहीं करेगा लेकिन ये चीज आपकी फ्रेंच टीचर्स में नहीं थी और यही रिफ्लेक्ट करते थे डिफरेंट व्यूज जो आपके टीचर्स स्टूडेंट्स और इसके जो आ, जो भी जो भी आउटकम्स नजर आ रहे थे उनको कल्चर बेस्ड वो संभाव एजुकेशन के गोल्स से मैच कर रहे थे जो स्कूल का एजुकेशनल गोल्स थे देवर मैचिंग विद इट